आओ असी देखते हैं यर्मी आदि किताब ओदा 17 नंबर अध्याय ओदी 9 ते 10 नंबर पंक्ति दे विच किंदा दिल सब चीजा नालों धोखेबाज है ओ पुज के खराब है ओनू कौन जान सकदा है। मैं यहोवा दिल नू जोंदा हां अते गुरदियां नू परतौंदा हां भई हर मनुख नू ओदे चाल चलन अनुसार अते ओदे कम्मां दे फलां अनुसार बदला दियां। हालेलुया। सो वचन की कहना या दिल सारियां चीजां नालों धोखेबाज या तुहाडे गवांडी नालों भी जेडे अफसर ते तुहानू बहुत गुस्सा आया इहदी चीटिंग कीता ओदे नालों भी ज्यादा धोखेबाज कौन आ। साडा अपना दिल जिन्हें पैसे मार ले ओदे नालों भी ज्यादा धोखेबाज कौन आ। केदा दिल साडा दिल बचन च लिखा दिल सबना चीजा नालो गुआंढियां नालो अफसरां नालो रिश्वतखोरां दे नालो सस नालो भी ननान नालो भी भूआ नालो भी चाचे ताए नालो भी सारे नालो धोखेबाज कौन आ। दिल क्यों धोखेबाज आ? क्योंकि जज्बातां नूं जन्म दिंदा आ, फीलिंग्स नूं जन्म दिंदा या दिल। इहदे अंदरों भावनावां निकलदियां ने चाहे चंगियां जां फिर माड़ियां। जिहदे लई इहने माड़ा सोच लिया उहदा इहने मित नहीं बनना, भावें सका भैण भरा होवे भावें सके मां प्यो होण फिर इह उहदा मित नहीं बनदा। इड्डा धोखेबाज आ फिर रिश्ते भुल जांदा, मान मर्यादा भुल जांदा, भुल जांदा कि मैं मिट्टी हाँ, मिट्टी दे विच खप जाणा, सब कुछ भुला के सिर्फ अपने जज्बात दे विच कायम रहिंदा है। इसलिए वचन दे विच लिखिया दिल सारियां चीजां दे नालों धोखेबाज आ ते पुज के खराब आ। असी की कहने तू बड़ा खराब आ, तू बड़ी खराब आ, जां साडा फलाना रिश्तेदार बड़ा खराब आ। ते वचन की कहंदा आ सारी खराबी कहंदा तेरे अंदर आ लैके बैठा तू पोटली भर के। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਖਰਾਬੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੋਖਾ ਧੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਆ? ਹੱਥ ਖੜ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਖੋਜੇ ਵਾਲ ਕੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਦੋਂ ਗਾਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੱਕੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਝਾੜ ਆ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਦੱਸਿਓ ਰੱਬ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਛੇਤੀ ਲੱਭਾ। ਦੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਆਚੇ ਅਸੀਂ ਆਂ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਚਿਆ ਆ, ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ, ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਹਨੇਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਲੈਣਾ, ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦਾ, ਉਚਾਈਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਲੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਗਵਾਚੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਤਾਂ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਕੌਣ ਆ, ਲਾਪਤਾ ਕੌਣ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ
छुपा दिए। द मोस्ट वॉन्टेड हां लब्बण वाले नू मुक्ति इनाम दे विच दित्ती जाऊगी। हालेलुया, क्योंकि जिन्ने अपने आप नू लब लिया ओनू ओदे अंदरों परमेश्वर भी लब पैना है। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर गुमशुदा नहीं आ, असी गोमिया साडी पहचान गोमिया, अपने आप नू पहचानो कि असी ओदे धीआं पुत्तर आ, असी मिट्टी दे विचों पैदा होए आ। जदों उन्हें अपना साह साडे अंदर पाया तां मतलब उन्हें आप अपना आत्मा साडे अंदर पाया। जेड़े साह आ सानू सिर्फ इन्ना ही समझ विच आया कि परमेश्वर ने साडियां नासां विच फूक मारी ते आदम जी दी जान हो गया। जदों उन्हें फूक मारी साह साडे अंदर नहीं पाए, क्योंकि साह चिड़ियां कावां दे अंदर भी आ, साह मज्जां गावां दे अंदर भी आ, ते उन्हां दीआं नासां विच तां परमेश्वर ने फूक मारी। इदां लिखिया मैनूं किते लब्भा ही नहीं, किते लिखिया इदां कि जदों मज्जां गावां नूं बणाया, चिड़िया कावां नूं बणाया, मच्छियां मगर मच्छां नूं बणाया, तां परमेश्वर ने उन्हां दीआं नासां विच साह फूक दित्ता ते उह जिंदी जान हो गए। नहीं, शब्द बोलिया ते उन्हां दी रचना होगी। जदों साडियां नासां दे अंदर फूक मारी, साह तां दूजियां वांग सानू मिल ही गए सीगे, पर उन्हें किन्नियां अथॉरिटीज, किन्ने अधिकार, अपना सुभा, अपनी सामर्थ साडे अंदर पा दित्ती, अपना आत्मा साडे अंदर पा दित्ता। हालेलुया हालेलुया। मच्छा गावा दुनिया उत्ते रूल नहीं कर सकदियां। तुसी देखिया फलाने देश दा प्रधानमंत्री उथों दा कां, जां फलाने मुल्क दे विच राजा जेड़ा आ ओह हाथी आ, वी ओह बहुत वड्डा आ, बहुत भारा आ। नहीं, इंसान नू रूलर बनाया है। जां तुसी कदी सुनिया हाथी ने सुन तानू चक के फुर कीता ते उथे मीं पैण लग गया, हवा चलन लगी, शेर आण के इतों उन्हें दिहाड़िया ते सारे भूत निकल के भज गए। किसी ने सुनिया इदां? नहीं, करके उन्हां कोले अधिकार है नहीं। चीज परमेश्वर ते साफ उकड़ नाल साडे विच आई आ कि जदों असीं कहने आ यीशु मसीह दे नाम च दुष्ट आत्मे ओ निकल जाओ ते ओ निकल जांदे आ। ओदे साफ उकड़ नाल साडे विच ए चीज आई आ कि शेर नूं वी इंसान ने अपना पालतू बना लिया, हाथी नूं साइकल चलाउणा सिखा दित्ता, ड्राइंग करनी सिखा दित्ती, तोतियां नूं गाउणा सिखा दित्ता, चिड़ियां दे झुंडां नूं नचणा सिखा दित्ता, डॉल्फिन नूं समुंदर दे विच तमाशा करन वास्ते लगा दित्ता। इह कलाकारियां उह साह फूकण दे नाल उह नासां विच जिहड़ी हवा मारी सी, इह सारियां काबलियतां उदों परमेश्वर ने इंसान दे अंदर पाईआं। और तां ही उहने कहा मैं चाहुंदा आं कि आकाश दीआं चीज़ां उत्ते, धरती दीआं सारीआं चीज़ां उत्ते ते पानी दीआं सारीआं चीज़ां उत्ते राज करे। हालेलुया हालेलुया। इह राज करन दा अधिकार जानवरां कोल, पंछियां कोले, घिसरन वालिआं कोल, उड्डन वालिआं कोले, तैरन वालिआं कोल नहीं आ, इह साडे कोले आ ते साडीआं आउण वालिआं पीढ़ियां दे कोले। हालेलुया, इह साडी पहचान आ, इह असीं आ। हालेलुया, तां लभणा आ पहलां अपनी पहचान नूं कि मैं की कुछ कर सकदा आ। और पौलुस की कहंदा मैं सबो कुछ कर सकदा आ ओदे वसीले जेड़ा मैनूं ताकत अते
जोर बख्शदा है क्योंकि पौलुस ने अपने आप नू लब लिया। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने उहदे उत्ते चानण कीता ते जदों चानण हो जांदा है जिहड़ियां चीज़ां नहीं दिखदियां पहलां उह दिखणियां शुरू हो जांदियां है। हालेलुया, तां यीशु मसीह चानण है। जदों प्रभु यीशु मसीह साडे जीवन दे विच आ जांदे है ते साडे जीवन दीआं गुआचीआं होईआं रौणकां लब जांदियां है, गुआची होई शिफा लब पैंदी है, गुआचीआं होईआं खुशियां लब पैंदियां है। हालेलुया, हालेलुया। ओके, सो वचन की कहना कहना भई हर मनुख नु ओदे चाल चलण अनुसार अते ओदे कम्मां दे अनुसार फल दा बदला दियांगा। असी जज्बातां दे वस पै के बहुत सारे गलत काम कर लैने आ, किसे नाल लड़दे कदों आ जदों जज्बात गुस्से वाले हो जांदे आ, मन विच जज्बात गुस्से वाला बन गया उदों किसे नाल जाके आड़ा ला हो जांदा आ, लड़ाई हो जांदी आ। जे ओह होर भी ज्यादा उन्हां जज्बातां दे ग्रिफत विच फस जावे, जज्बात ज्यादा हावी हो जाण ते बंदा बंदे दा कतल भी कर दिंदा है। बहुत हावी हो जांदे आ जज्बात, पर प्रभु दी इच्छा की आ सारियां चीजां उत्ते असी रूल करना आ। हालेलुया, इन्हां चीजां ने साडे उत्ते रूल नहीं करना, तुसी गुस्से उत्ते रूल करना आ। गुस्सा होना माड़ी चीज नहीं आ, अगर तुहाडे अंदर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आ तद भी तुहाडे अंदर कमी आ, अगर तुहाडे अंदर बिल्कुल प्यार है नहीं तद भी कमी आ, अगर थोड़े अंदर शांति है नहीं तद भी कमी आ, अगर थोड़े अंदर कह लो कि एक इमोशन है जो तुसी किसे नू देख के बहुत एक्साइटेड हो जाने, अगर वो एक्साइटमेंट है नहीं तद भी तुसी अधूरे हो। पर जेकर वो चीजा थोड़े उत्ते रूल कर दिया या फिर तुसी खत्म हो, पर जे तुसी उन्हां चीजां दे उत्ते रूल करदे आ फिर तुसी होर मजबूत हुंदे जांदे आ। मतलब कि तुहानूं अगर गुस्सा नहीं आ फिर तुहानूं शैतान ते भी गुस्सा नहीं आउणा, फिर तुहानूं गलत काम ते भी गुस्सा नहीं आउणा, फिर तां तुहाडे घर दे विच कोई भी जिहड़ा गलत काम करी जाऊगा तुहानूं कोई गुस्सा ही नहीं आ रहा, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही, फिर तां बहुत वड्डी गड़बड़ आ। जे प्यार है नहीं तुहानूं न्याणियां नाल प्यार नहीं आउणा, हस्बैंड वाइफ नूं आपस विच प्रेम नहीं आ, पेरेंट्स दे नाल प्रेम नहीं, ब्रदर सिस्टर दा प्रेम नहीं आ, फिर तां रिलेशनशिप्स खत्म। पर जे ए चीजां हद तों वध गईआं तद भी सारा कुछ खत्म।